बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में पास होकर भी अभ्यर्थी निराश। जी हां, बीपीएससी के द्वारा जारी रिजल्ट के बाद डीएलएड अभ्यर्थियों में खुशी है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद भी निराशा हाथ लगी है। वो शिक्षक बनने से वंचित रह जाएंगे। अब उनकी एक आखिरी उम्मीद बिहार सरकार ही बची है, जो उन्हें ग्रेस मार्क्स देकर शिक्षक बनने का मौका दे सकती है। इसी उम्मीद में रिजल्ट जारी होने के बाद सीटेट पात्रता परीक्षा में फेल अभ्यर्थी पार्टियों के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। औरंगाबाद के रहने वाली बीपीएससी क्वालिफाई कर चुकी मीनाक्षी कुमारी ने बताया है कि महज एक नंबर से वो सीटेट पात्रता परीक्षा में फेल हो गई। इसका बहुत मलाल है, अब बस मुख्यमंत्री से ही आखिरी उनकी उम्मीद है। वही ग्रेस मार्क्स देकर हम लोग का कुछ कर सकते हैं। इसी तरीके से दिनेश कुमार ने बताया है कि वो दो नंबर से सीटेट पात्रता परीक्षा में फेल है, जबकि बीपीएससी के द्वारा जारी रिजल्ट में वो पास है। आपको बताया चले सीटेट पात्रता परीक्षा 2023 का रिजल्ट 25 सितंबर को जारी हुआ था। इसमें 29 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। परीक्षा 20 अगस्त को दो पालियों में आयोजित की गई थी। तो आपको बता दें चले बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में पास होकर भी अभ्यर्थी जो कैंडिडेट हैं वो निराश हैं। सीटेट पात्रता परीक्षा में फेल हो गए हैं, इसलिए वो पटना में अब चक्कर लगा रहे हैं। अब उनका कहना है कि मात्र जो सीएम नीतीश कुमार हैं वही उनका कुछ बेड़ा पार कर सकते हैं, क्योंकि वो सीटेट में एक या दो नंबर से पास हैं, तो उनको ये ज़रूरत है कि वो उनको ग्रेस मार्क्स मिल जाए, इसलिए वो पास हो जाए। बीपीएससी के द्वारा जारी रिजल्ट के बाद डीएलएड अभ्यर्थियों में खुशी है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद भी निराशा हाथ लगी है। वो शिक्षक बनने से वंचित रह जाएंगे। अब उनकी एक आखिरी उम्मीद बिहार सरकार बची है, जो उन्हें ग्रेस मार्क्स देकर शिक्षक बनने का मौका दे सकती है। इसी उम्मीद में रिजल्ट जारी होने के बाद सीटेट पात्रता परीक्षा में फेल अभ्यर्थी पार्टियों के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।